ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਲ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਂਗਲੇ ਬਰਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਂਗਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਮਝ ਲਓ, 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। अभी सलाम करके वो अभी वापस आएंगे, तो नफल पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो अभी 2-4 मिनट में उन्होंने आ जाना है, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं। तो साथ साथ मैं वीडियो शीडियो बनाता रहूँगा, तो आपके साथ सारा मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पे जाएंगे अभी, अगर टाइम मिला तो आपको जो हिल है वहाँ पर उन्होंने सुना है कि पार्क भी बना दिया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अगर टाइम मिल गया तो। नहीं तो ये शादी का व्लॉग तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा ही, और रास्ते में वीडियो शीडियो बनाता रहूँगा। ਆ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये सांगला सिटी शुरू होते ही ये हिल आप लोगों को नज़र आ जाएगी, तो वो सामने पीछे है, लेकिन ये आगे मस्जिद होने की वजह से नज़र नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह वापसी में आप लोगों को विज़िट कराऊंगा, और हम इसके टॉप के ऊपर भी जाएंगे। और ये हमें बिद मिली है, और अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं, डब्बा काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। ये शाही मेवा तो ऊपर ही नज़र आ रहा है, और इसके नीचे देखते हैं क्या चीज़ है। शाही मेवा पहले निकाल लेते हैं, और ये नीचे एक टाफ़ी है, और 2-3 चीज़ें और हैं। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ ये हिल पार्क, ये सांगला का हिल पार्क है। ये देखें, उन्होंने काफ़ी बड़ा पार्क बनाया हुआ है, इसके अंदर झूले काफ़ी चीज़ें हैं, और ये यहाँ पर वेदर काफ़ी अच्छा और बहुत खूबसूरत यहाँ पर माहौल है। ये देखे काफ़ी, यहाँ कैमरे में इतनी बड़ी नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी पहाड़ी है। अभी इसके ऊपर मैं जाऊँगा, वहाँ टॉप ये देखे कितना ज़्यादा ऊंचा है, वहाँ से आपको ये ऊपर जाते की वीडियो भी बनाऊँगा, और ऊपर से भी दिखाऊँगा। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, ये देखें इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टेप बनाए हुए हैं कि कोई यहाँ से गिर ना सके, तो अभी ऊपर जाने लगे हैं। तो साथ साथ वीडियो बनाते रहते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर से कैसा व्यू नज़र आता है। ऊपर से कहते हैं सारी इसकी जो सिटी है सांगला, वो ऊपर से नज़र आती है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, ये साइड यहाँ अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी झील है, वहाँ पर कश्तियाँ भी चलती हैं, और ऊपर से जा कर आपको व्यू दिखाता हूँ। वो देखे झील आप लोगों को नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ी झील है, और इसमें कश्ती जो होती है वो भी चलाते हैं। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गई है, काफ़ी हाइट के ऊपर आ गए हैं, तो स्टेयर तो हम लोगों ने नहीं गिनी, पता नहीं कितनी है, 100 के हिसाब से ही होगी, लेकिन अभी हाइट पे हम लोग इसके जो टॉप है वहाँ पहुँचने वाले हैं।
ਚੱਲ ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਿਆ ਓਏ ਓਏ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ और फाइनली ये देखें, अभी नीचे से मैंने आपको दिखाया था तो अभी ये टॉप के ऊपर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है। ये देखें ऊपर से झील नज़र आ रही है और इसमें कश्तियां भी चलती हैं। काफ़ी अच्छा ये पार्क बना हुआ है। ये देखें यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से तो सारी सिटी नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी ये हाइट वाली ये पहाड़ी है। ये देखें आपको यहाँ से पूरी सिटी नज़र आ रही होगी और ये झील भी आपको नज़र आ रही, मैंने जूम की है। तो अगर जाते हुए टाइम हुआ तो इस कश्ती में भी हम लोग झूला लेंगे। और इस साइड से मैं आपको सिटी दिखाता हूँ, जो सांगला सिटी है वो यहाँ से पूरी तकरीबन नज़र आती है। और आज वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिसकी वजह से ये और भी अच्छा लग रहा है। ये देखे बंदे कितने छोटे छोटे यहाँ से लग रहे हैं। ये देखे काफ़ी ज़्यादा हाइट है। कौन किधर बुढ़िया नहीं चढ़ना औखा बारो थोड़ा हौसला कर दे तो पहुंच जाना सी आप पहुंच जाना डर गए।